प्रयागराज के संगम तट पर कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र पर्व के दिन श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन के तट में आस्था की डुबकी लगाई। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से भी पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन पूरे दिन व्रत रख कर रात्रि में बछड़ा दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा एक शिव शंकर भगवान का बहुत अच्छा उत्सव माना जाता है और शंकर भगवान का ही उसमें वो है, गंगा माता का लोग स्नान करते हैं, इससे काफ़ी पूर्ण फल भी प्राप्त होता है और यथाशक्ति जिसको दान दक्षिणा होता है इसमें लोग करते हैं। और कार्तिक स्नान का महत्व जो है कि हर जहां गंगा जी का वो होता है वहां लोग अधिकतर प्रयास करते हैं लोग एक महीने के स्नान करें, और जो नहीं नहा पाते हैं वो तीजता स्नान जो कहा ये पूर्णिमा के बाद होता है उसको स्नान करने से एक महीने का पूर्ण उनको फल प्राप्त मिल हो जाता है। तो कार्तिक स्नान का महत्व जो है आज कई वर्षों से चला आ रहा है और जिससे कहते हैं आज इसको कार्तिक स्नान में लोग अपने जो श्रद्धालुओं हैं सब जो बड़े वहाँ के लोग आए हैं श्रद्धालु उसमें दीप दान भी किया करते हैं, इसके दिवाली के भी उसमें वो करते हैं कार्तिक दीप पूर्णिमा के इसमें आवाज का स्नान का बहुत पूर्ण महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे अग्नोष्टक नामक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ करने से सांसारिक ताप और पाप का अंत होता है। अन्न, धन व वस्त्र दान का बहुत महत्व बताया गया है। ये मान्यता है कि इस दिन जो भी दान किया जाता है उसका फल कई गुना मिलता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी आज का दान किया जाता है वो स्वर्ग में संरक्षित रहता है, जो व्रत लोक त्यागने के बाद स्वर्ग में आपको प्राप्त होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी व सरोवर एवं धर्म स्थान जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक, प्रयाग, अयोध्या में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भैया आज के दिन पूर्णिमा के दिन दीपदान किया जाता है गंगा माता को और माता गंगा की पूजा की जाती है, चुनरी चढ़ाई जाती है और पंडितों को दान दिया जाता है। आप श्रद्धा अनुसार जो आपकी इच्छा वो सारे पूजा पाठ में आप चढ़ा सकते हैं। आज के दिन गंगा स्नान भी किया आपने? जी भैया जी, गंगा स्नान तो सबसे महत्व है स्नान करना पूर्ण कार्तिक महीने में और खास करके यमुना जी का स्नान करना बहुत भगवान जी शंकर की आज पूजा होती है। भैया भगवान शंकर, विष्णु भगवान और गंगा माता सबकी पूजा की जाती है क्योंकि आज के बाद कार्तिक महात्म का स्नान खत्म हो गया है।